वो वीडियो बना रहा है अभी, हाथ से उठा दे जल्दी। रूबी 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 दूर हो गई। नमस्कार सभी पशुपालकों का स्वागत है इस वीडियो में, और मैं हूं हनुमानगढ़ के पशु मेले में। जो मेला चल रहा है अभी वहीं पे आया हूं, और एक पशुपालकों में एक नवयुक्त पलजिंद्र भाई जिनके पास दो घोड़े हैं बहुत ही बढ़िया, सर चा कॉफी, और एक अश्वराज बहुत ही बढ़िया बना उनका मालिक है, और उनके जो घोड़े हैं वो भी काफ़ी सुंदर है। पहले पानी पिला डॉक्टर साहब, पुष्कर में ये मिले थे, और बात करते हैं इनसे और जानते हैं पलजिंद्र भाई से कैसा उसका उनका अनुभव है। पलजिंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। बस बढ़िया यार भाई साहब, कब आए हनुमानगढ़ मेले में? भाई 3 दिन हो गया है, घोड़े आज ही लाए हैं, ये घोड़ियाँ कल आए थे। अच्छा अच्छा, वैसे 3 दिन हो गया आपको? हाँ 3 दिन, फिर तैयारी वारी करने में लग जाता है टाइम थोड़ा। हाँ, सबसे पहले तो आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि शादी के बाद आप मेरे को अभी मिले हो। हाँ जी हाँ जी, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप यार इतनी सी उम्र में घोड़ा पालक कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू भाई साहब। तो पलजिंद्र भाई आपके पास अभी टोटल कितने घोड़े हैं? अभी अपने पास भाई साहब 11 जानवर है, छोटे बड़े। टोटल 11 जानवर? हाँ जी भाई साहब। जब आपकी फैमिली में पहले रखते थे घोड़े बड़े? नहीं भाई साहब, कोई नहीं रखता। नहीं नहीं, अभी स्टार्ट किया हमने। आपने खुद ने शुरुआत? हाँ जी भाई साहब। अच्छा, तो आपने सब शुरुआत की तो घरवाले बोलते नहीं थे कि ये? नहीं, हमारे घरवाले नहीं बोलते कुछ ही। भाई कुछ भी करो, अच्छा ही काम कर रहे हो मतलब। अच्छा ही है। तो आपको कितना टाइम हो गया लगभग? लगभग भाई साहब 2 साल हो गए लगभग। 2 साल? 2 साल में आपने 11 जानवर कर लिए? हाँ जी भाई साहब। और मुझे लगता है यार हनुमानगढ़ में और गंगानगर में सबसे बढ़िया टेंट आप ही लगाते हो। पुष्कर में भी था? पुष्कर में भी थे आप? लेकिन पुष्कर में हम थोड़ा लेट थे, इसकी वजह से थोड़ा नहीं अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब। तो बलेंद्र भाई अभी यहाँ कितने घोड़े लेके आए हो? भाई साहब 2 स्टैलियन अपने। अच्छा, और ये 2 नुकरी घोड़ी है, एक वो बच्ची है। ओके ओके। हाँ जी भाई साहब। और यहाँ पे अतिथियों के लिए बैठने के लिए आपकी जगह भी बढ़िया कनक की है? हाँ जी भाई साहब। हैं, देखिए छोटा सा एक बना रखा है। हाँ जी हाँ जी भाई साहब। चलो अपने घोड़े से मिलवा दो भाई। हाँ जी भाई साहब, ये अपना फतेह है और वो अपना स्टैलियन अश्वराज है। अच्छा, पहले अश्वराज के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, नाम हो गया इसका अश्वराज। हाँ जी, बना होल्डर लाओ आकर। हाँ बलेंद्र भाई, अश्वराज भाई साहब। ये अश्वराज? हाँ जी भाई साहब, बस बताए मेरा। होल्डर डालना है इसके, इधर आ रहा हूँ मैं। भाई कितनी उम्र का हो गया ये? ये भाई साहब अभी 4 दांत लगा है। 4 दांत? हाँ जी। अच्छा, और आपके पास कितने टाइम से हो गए ये भाई साहब? 9 महीने हो गए इसको अपने पास आए को। आपके पास में 9 मास? हाँ जी 9 मंथ हो गए। हाँ जी हो गए। बिल्कुल। और क्या है इसकी डिटेल वगैरह? ये भाई साहब दाना का बच्चा है। दाना का? तो चैंपियन घोड़ा था जोधपुर शो का, पंजाब का पहला घोड़ा जो शो विनर था। अच्छा, उसका बच्चा है सर जी। अच्छा हाँ जी। आपने कहाँ से लिया था ये? ये लुधियाना से। लुधियाना? डैपे गाँव, डैपे गाँव लुधियाना के पास है जो। अच्छा, वहाँ से लिया था भाई साहब, गरेवाल स्टड फार्म से। तो ब्रीड वहीं हुआ था? हाँ, कि वहीं ब्रीड हुआ था। वहीं ब्रीड हुआ था। बिल्कुल भाई साहब। ओके, मार्किंग क्या है इसके? इसके भाई साहब माथे में ब्लेज है, 3 पाँव सफेद है। 3 पैर सफेद है। हाँ जी भाई साहब। और एज क्या बताइए इसकी? एज इसकी भाई साहब 4 दांत हुआ है अभी। 4 दांत? हाँ जी। रिजल्ट आ गए शायद? रिजल्ट भाई साहब हाँ जी, इसके 5 आ गए। 5 रिजल्ट आ गए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा, ज़्यादातर तो है 3 पाँव सफेद आ रहे हैं, मत्थे में ले जा रहा है। ओके, एक 5 किलैंड बच्चा था जो घोड़ी ने गिरा दिया पहले ही। ओके हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, स्वभाव में कैसा है घोड़ा? बढ़िया स्वभाव? बहुत अच्छा है सर। अच्छा, ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं होता? नहीं सर, थोड़ा बहुत तो होता ही होगा। वो तो फिर घोड़े का ना, इसे ऐसे ना हो तो फिर घोड़ा रखने का क्या फायदा। ओके, ब्रीडिंग में कैसा चल रहा है? बढ़िया अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा अच्छा हाँ जी। क्या चार्ज ले रहे हो इसकी ब्रीडिंग का? सर 31,000। 31,000? 31,000 बस बताए। ओके हाँ जी। और हाइट की अगर बात करें तो इसकी वैसा 65+ है, लगभग 66 का ही हो गया होगा, लेकिन 65+ है ये। 65+? हाँ जी। ओके, वो अपना दूसरा फतेह है। अच्छा हाँ जी। आपने ये खुरली भी बहुत अच्छी बनाई है यार। बिल्कुल भाई साहब, ये अपने घर की बनवाई हुई है। अच्छा, लगाना इसके होल्डर। इस पर नाम भी गुदाया हुआ है अश्वराज। हाँ जी। और ये अपने पास नुकरा घोड़ा है एक। ये नुकरा फतेह सर, बस बताए फतेह। हाँ जी। ये भी आपका खरीदा हुआ ही है? ये भी खरीदा हुआ सर, इसको 10 मंथ हो गए। अच्छा हाँ जी।
दोनों को साथ लिया मतलब? हाँ सर, बस 20 दिन की है गैप इनका, ये पहले ले लिया था 20 दिन, ये बाद में लिया। ये नुकरा है क्या एकदम? बिल्कुल सर, स्पॉटलेस। अच्छा, स्पॉटलेस देख सकते हो आप। और क्या नाम तो इसका हो गया? फतेह सर। प्रिंस डोड का बच्चा सर ये। प्रिंस डोड का? हाँ जी। ओके। इसकी मदर के बारे में नहीं बताया आपने? इसकी मदर सर मारवाड़ी थी, मथे में ब्लेज था, दो बार पैर पीछे वाले सफेद थे। अच्छा, अश्वराज की मदर। ओके ओके ओके। हाँ जी सर। और ये उसका हो गया अली डोड का? नहीं, प्रिंस डोड का। प्रिंस डोड का, हाँ जी सर। सॉरी। अच्छा, ये कितनी एज का है? ये सर 5 साल का। 5 साल का, ब्रीडिंग में चालू है ये? ब्रीडिंग चालू सर। इसके भी आगे रिजल्ट? हाँ, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर इसके। अच्छा, काफी रिजल्ट आ गए इसके तो। ओके ओके। आपके पास आने के बाद आए? अभी तो नहीं आए? नहीं, अभी नहीं आए भाई। अभी नहीं आए अभी। हाँ, अपने जब आया था घर आने के बाद थोड़ा बीमार पड़ गया था। अच्छा, अभी हाँ 2 महीने बाद छोड़ा था इसको। अभी ठीक है? अभी बिल्कुल परफेक्ट है। ओके ओके। स्वभाव में बढ़िया है घोड़ा? सर थोड़ा गर्म है ये, वैसे नॉर्मल है, है थोड़ा गर्म। थोड़ा गर्म नहीं, ज्यादा तो बहुत सर तो क्या बहुत एग्रेसिव होते हैं? बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं? नहीं ये नहीं है, ये देखो इनको संभाल नहीं पाते हैं। ना ना, ये देखो बिल्कुल, ये तो कैसे खड़ा है ये? फ्रेंडली कर रखा है आपने? हाँ हाँ बिल्कुल, बस बताइए। ठीक है, इसकी क्या कर रखी है पीस? इसकी सर 11,000। 11,000? हाँ जी सर। ओके ओके। ये इसकी मदर भी नौकरी थी। अच्छा, हाँ जी, बस बताइए। तो ये दो अनमोल रतन है आप? जी हाँ बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। वो घोड़िया भी अपनी है? हाँ वो घोड़िया भी अपनी है सर। आ जाओ भाई इधर आ जाओ, देखो। बस बताइए। सिद्धू ब्रदर स्टड फार्म का अपना नाम है? सिद्धू ब्रदर स्टड फार्म। ओके ओके। ये कितनी उम्र की है मेर? ये वैसा 2 दांत अभी लगभग 28 महीने की है। अच्छा, हाँ जी। 2 दांत कर लिए आप? 2 दांत हाँ जी कर लिए। ओके। क्या हाइट की होगी ये? 64+ है सर। 64+। हाँ जी सर। ये ब्रीडिंग के वास्ते रख रखी है या क्या है आपने? सर अभी तो बच्ची है, ब्रीडिंग के लिए ली है। अच्छा, अभी ली है मतलब? ली है हाँ जी सर, मुक्सर के मेले से ली थी ये। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अब ब्रीडिंग के वास्ते ली होगी? हाँ जी ब्रीडिंग के लिए। क्या हाइट की होगी ये सर? 64+ है। 64+। हाँ जी, ये रूही की सिस्टर है, रियल सिस्टर रूही की। रूही तो बहुत अच्छी गुड़ी है। हाँ, उसकी रियल सिस्टर है, मदर साइड से और फादर साइड से, दोनों साइड से। दोनों साइड से रियल सिस्टर है उसकी। कौन से घोड़े की है? अलवंद की। अलवंद की? हाँ जी। अच्छा, और माँ भी वही है? सेम माँ वही है, सेम। अच्छा, रूही की रियल सिस्टर है ये। वो भी अच्छी घोड़ी है रूही है? हाँ बिल्कुल, उसका भी काफ़ी नाम है। काफ़ी नाम है, हाइटबाज घोड़ी है। हाइटबाज घोड़ी। इसका क्या नाम है? इसका रूबी। रूबी? हाँ जी। अच्छा, वो रूही और ये रूबी। अच्छा, हाँ जी ठीक है भाई। इसका दसड़ा? दसड़ा। वीडियो बंद है कि चल रही है? ये कितनी उम्र की है भाई? ये भाई साहब ये भी 2 दांत है। 2 दांत ही है? हाँ, महीने 1.5 महीने के फर्क है इन दोनों का। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर। ये भी नौकरी है एकदम? ये भी नौकरी है सर, थोड़े बहुत हल्के बहुत स्पॉट है इसमें। अच्छा, हाँ अभी खरीदी है क्या? हाँ ये भी सर मुक्सर के महीने मेले से 1 महीना पहले खरीदी थी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये रवीना, ये समुंदर की है? है? ये समुंदर की बच्ची? हाँ जी, समुंदर तो बहुत अच्छा घोड़ा है। हाँ उसकी बच्ची है ये। बिल्कुल उसके जैसी, देखो वो तो फेमस घोड़ा है समुंदर तो। कितनी हाइट हो गई होगी इसकी? ये सर 64+ है ये भी। 64+? बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये प्रेगनेंट है 4 महीने की। अच्छा, कौन से घोड़े से? ये जौने, जौने घोड़े सर। जौने? हाँ जी, जो पंजाब में अभी। हाँ हाँ हाँ। ये बच्चा है? बच्ची? ये बच्ची है सर। अपनी है? हाँ अपनी है ये भी। अच्छा, मारवाड़ी में है ये? हाँ वो मारवाड़ी है सर। अच्छा, आ जाओ इधर आ जाओ। मारवाड़ी बच्ची? हाँ जी। कितनी उम्र की है ये सर? अभी 2 दांत ही है, 13-14 महीने की। मिल्क टीथ है ना? मिल्क टीथ है ये। और इसकी है क्या कोई डिटेल वगैरह? ये भाई साहब रत्नाकर लाइन की है, रविराज घोड़े की बच्ची है ये। रविराज की? हाँ जी। अच्छा, ये भी खरीदी हुई होगी? हाँ जी, ये खरीदी है, गुजरात से खरीदी थी ये। अच्छा, गुजरात से? हाँ जी भाई साहब। ओके ओके ओके। काफ़ी अच्छी बच्ची है ये। रत्नाकर पंच कल्याण? हाँ जी, पंच कल्याण है ये। भाई अपने एक बार मोबाइल नंबर बता दो। 7791092097। ठीक है बलिंदर भाई, थैंक यू। एक बार और मुबारक हो आपको। आपको
दो बार।